जाकर दुकानदार से पूछा, रहा नींबू क्या भाव दिए? दुकानदार बोला, नीचे बैठ के देख, नींबू नहीं संतरे हैं। ये रहे भाई धर्मेंद्र सोनी, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन में भरे हुए ठहाकों को शब्दों में समेट कर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। अभी पिछले दिनों कह रहे थे, यार पत्नी से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा, क्या परेशानी है? बोले, यार झाड़ू मुझसे लगवाती है, पोछा मुझसे लगवाती है, बर्तन मुझसे मजवाती है, करूं तो क्या करूं? मैंने कहा, करना क्या है, दो चार घर और पकड़ ले। दैनिक जीवन की विसंगतियों का हम हास प्रयास आपस में करते रहते हैं, पर हमें मालूम है कि परमात्मा की कृपा से ही कविता लोग कर पाते हैं, हजारों लोग यहाँ पर सुनने के लिए आ पाते हैं साहब। वरना आधी रात को, रात का समय, आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ आकर के बैठ जाए कविता सुने, कैसे संभव हो सकता है? अगर सारी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, जितने बड़े अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ लाकर बिठा देना, तो भी रात को आप घर बार छोड़कर यहाँ आओ कोई गारंटी नहीं है। आपको लाने के लिए गाड़ियां लगानी पड़ेगी, रोटी के टिफिन मंगाने पड़ेंगे, हो सकता है नरेगा का पेमेंट भी करना पड़ जाए। लेकिन आप देखो, घर से खा पी करके आए हो, और ये जो अमृता हाट चल रहा है, इसमें आप आनंद लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। ये सरस्वती के दरबार में ही ऐसा हो पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, पर कवि होना सौभाग्य। इन सौभाग्यशाली का लोगों को आप सुन रहे हो, इसके लिए आप भी सौभाग्यशाली हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए, समय कुछ कम है, इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि कवि सम्मेलन आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक पहुंचना है, आदरणीय डॉक्टर केसरदेव मारवाड़ी को आप सुनोगे, पर माँ वीणा पाणी की वंदना से जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का आगाज किया था, वो डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे यहाँ पर मौजूद है। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें सादर निमंत्रण देना चाहता हूँ कि रूप जब झील में नहाता है, वाह करो, पोकट में मजदूरी करा रहे हो, आनंद लो, बताओ कि आप जीवंतता के साथ सुन रहे हो। वरना क्या है, अच्छी चीजों पर आप ढंग से ठा के तालियां नहीं लगाओगे ना, तो कभी यहाँ टोटकेबाजी कर देंगे। कभी शुरू बोला, मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने जोरदार कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आकर एक और टन्नाट कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से हल्की सी ताली की आवाज आई। मैंने कहा, समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला, वहां से एक आदमी तंबाकू बना के उसमें से चूना उड़ा रहा। कहने का मतलब है, विसंगति भरी ताली न बजाए, चूना उड़ाने जैसी तालियां ना बजाए। खुल करके खिल करके आप यहाँ पर बैठे। मैं जिस कवयित्री को बुलाना चाहता हूँ, उनकी अगवाणी में उन्माद के साथ प्रकट करें अपने आप को कि रूप जब झील में नहाता है, रूप जब झील में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। जरा जोर से करो, रूप जब झील में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। अरे खुद होता है शीतल नहाकर, आग पानी में लगा जाता है। तो पानी में आग लगाने के सामर्थ्य के साथ कवित्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे, मैं उन्हें बुलाता हूँ, जोरदार ताली से एक बार उनका स्वागत करें। सबको प्रणाम करते हुए एक बार पुनः आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, दूर दूर तक बैठे हुए हैं, पीछे कुछ लोग अभी भी सुंगड़ापन ओढ़े हुए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गमले रखे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि अपनी उदासी से बाहर निकलने की कोशिश करें और उत्सव में शामिल होने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, अभी आपने छठी पास की कविताएं सुनी, बहुत आनंद लिया। पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे। अब आप ये देखना कि ये इनकी पत्नी से ज्यादा पीड़ित है या इनकी पत्नी इनसे ज्यादा पीड़ित है। अगले का ढांचा दिखा ही रहा है कि पत्नी ही पीड़ित होगी। मुझे याद आता है, एक बार धर्मेंद्र जी मेले में गए पत्नी को लेकर, ऐसा ही मेला था, और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया है, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस ढांचे को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। बढ़िया बात है, बहुत आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल उस लाइट के नीचे ऐसे बैठे हुए जिनके सर पे चांद चमक रहा है, और ये चांद, मेरा मानना है कि एक जीवन के पुरुष में तभी चमकता है जब दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी धर्मेंद्र जी जैसी हालत हो जाती है।
तो भीड़ में ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बहरहाल बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, समय की अपनी मर्यादा है। आइए कुछ दुमदार दोहों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। कुछ बातें आपने सुनी है, मैं परिणाम तक ले जाना चाहती हूँ कि परिणाम क्या होते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ रिदम के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आप जानते हैं बहुत कवि सम्मेलन सुनते हैं, सुनिएगा के ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। लेकिन जब तक पूरे पूरे सदन से मुझे एक साथ तालियां लय के साथ नहीं मिलेंगी, मैं इसी पंक्ति को पूरी रात पढ़ सकती हूँ चाहे समय खत्म हो जाए। इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं आनंद की यात्रा के ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए की चकमा दे गई लैला। ये आहा का ठेका लगाना है आपको। वार्ड क्रमांक 13 बिल्कुल ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। हाँ, इधर से भी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। वार्ड नंबर 13 नाबालिग होता है, वार्ड नंबर 18 को बोलो सब बालिग बैठेंगे। कोई बात नहीं, यदि ये नाबालिग भी है तो आज की रात बालिग हो जाएगा कवि सम्मेलन खत्म होने तक। क्या बात है, इसीलिए अब आपकी तालियां भी मुझे मिलनी चाहिए के ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए की चकमा दे गई लैला। कि चकरी हुआ है छैला, कि चकमा दे गई लैला, कि चकरी हुआ है छैला। और पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए। पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए। कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए ये झंडू बाम हो गए। हाय बदनाम हो गए ये झंडू बाम हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा और देखिएगा काका जी की तरफ, जो बहुत गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कि छैल छबिली मोहिनी मधमाती इठलाए। तालियां आनी चाहिए सबकी एक साथ। कि छैल छबिली मोहिनी मधमाती इठलाए। 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए, कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा। कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा। और 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास। 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास। समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी। चली मोदी की आंधी। ये धर्मेंद्र जी मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ कि महिलाएं मांग क्यों भरती हैं। मैंने कहा महिलाएं मांग इसलिए भरती हैं ताकि पता चले कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है। तो फिर ये मारवाड़ी जी पूछने लगे कि फिर ये बताओ कि पुरुष मांग क्यों नहीं भरते। मैंने कहा पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते ताकि पता चले गोचर भूमि है, जितना चाहे चरो, जिसकी जो मर्जी हो करो। तो फिर ये बुद्धि जी पूछने लगे कि जब इतनी ज्ञान की बातें जानती हो तो ये बताओ कि वरमाला लेकर जब दुल्हन आती है तो उसके साथ 3-4 और लड़कियां क्यों आती हैं। मैंने कहा आप इतना भी नहीं जानते, जब एक प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है तो नक्शे में खाली पड़े 3-4 प्लॉट बताने पड़ते हैं कि नहीं। ये सब जो इतने बढ़िया था के लगा रहे हैं, ये सब खाली प्लॉट के चक्कर वाले लोग है। अच्छा ये वार्ड जो नाबालिग है वो उनमें का है जो यदि खाली प्लाट भी देखता है तो गुमटी तांग देता है। इतने बढ़िया लोग हैं। यहाँ कई पप्पू बैठे हैं जिन्होंने प्यार किया होगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। कई पप्पू ऐसे भी बैठे होंगे जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते होंगे, क्यों रामलाल। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है साहब कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न। अब की बार तालियां आनी चाहिए भरपूर पूरे सदन से एक साथ
कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न। आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है। और आदरणीय राजकुमार जी, आपने अपने जीवन में प्यार जरूर किया होगा। हाँ, जितने भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, वे उन गलियों को याद कीजिए जब उन्होंने प्यार किया और कई गलियों के चक्कर लगाए होंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है सुनिएगा, कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, हाय औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा। अच्छा, झांसा दे गई तो दे गई, मैं जानती हूँ झुंझुनू के लोग इतने बढ़िया हैं, एक गई दूसरी आएगी। लेकिन जब वही लड़की 3-4 साल बाद किसी मेले या उत्सव में आकर मिलती है तो परिणाम क्या होता है सुनिएगा, कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम, बना गई हमको भैया करे अब ताता थैया, बना गई हमको भैया। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। छठी पास है और ये सब लोगों ने पढ़ लिख कर कोई तीर नहीं मारा। आदरणीय कलेक्टर साहब, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन इससे बड़ा कड़वा सच नहीं होता कि वाकई पढ़ लिख कर तो आपने भी कोई बड़ा काम इसलिए नहीं किया कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकार के नौकर हैं, नहीं पढ़ते तो सरकार होते। तब व्यवस्थाओं पर बात करना चाहती हूँ, सुनिएगा, कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। जितने लोग बहुत देर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा की हूँ, मेरी चेतना से अपनी चेतना को मिलाइए और आइए इस महफिल को और ज्यादा जागृत और रोशन बनाए। कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो, फंस के विदेशियों के चाल में न बहको जी, पथ से भटक रहे पैर को संभाल लो, तो नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नाग देवी अपने जहर को संभाल लो, और देश को तो नरेंद्र मोदी जी ही संभाल लेंगे, सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो, सोनिया जी आप बस घर। आइए, मैं शायद आपके दिल तक नहीं पहुंच पाई, अगली पंक्तियां निवेदन करती हूँ और मुझे बताइएगा कि मैंने आपके दिल पर कितनी दस्तक दी है। क्योंकि कहना ये चाहती हूँ कि जिंदगी की सुबह रंगीन शामें सुहानी चाहिए, जिंदगी की सुबह रंगीन शामें सुहानी चाहिए, मौज में तूफान उठा दे वो रवानी चाहिए, और छोड़ कर किस्मत को अपनी हौसलों के दम पे जो देश की काया पलट दे वो जवानी चाहिए, देश की काया। तब निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की नित्य आरती उतारो बोल वंदे मातरम, सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की नित्य आरती उतारो बोल वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम शीतलाम स्वर्गदापी, मातृभूमि को सवारो बोल वंदे मातरम, तो देश हित के प्रति समर्पित सब कुछ। और अब अपने हाथ खोलिएगा कि देश हित के प्रति समर्पित सब कुछ, तन मन धनवारो बोल वंदे मातरम, और देश में जो वंदे मातरम का विरोध करे ऐसे गद्दारों को मारो बोल वंदे मातरम, ऐसे गद्दारों को मारो बोल। और एक बहुत बढ़िया समाधान देना चाहती हूँ, सत्ताएं बदलती हैं, आती हैं, बदल जाती हैं, राम जी के मंदिर के निर्माण का मुद्दा जो का त्यों रह जाता है। मैं दावा करना चाहती हूँ कि मेरा सुझाव आपकी समझ में आ गया, तो इस सदन में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति राम जी के मंदिर का निर्माण कर सकता है,
कैसे कर सकता है सुनिएगा, कि राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। सत्य व अहिंसा से मिलेगा ना अधिकार, सच सत्य धर्म युद्ध को रचाइए। तो एक बार बनकर खुद राम अवतार, एक बार बनकर खुद राम अवतार, आधुनिक जिंदा सारे रावण जलाइए। और राम का विरोधी कोई शेष ना बचेगा यहाँ, फिर जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बनाइए, फिर जहाँ चाहे वहाँ। अभी भी कुछ लोग हाथ बांधे बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार भारत माँ के जयकारा हम पूरी ऊर्जा के साथ लगाएं, ताकि एक एक व्यक्ति में चेतना ऊर्जा का संचार हो। अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा, कि चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। चले गए आता ताइयों से कई बार, किंतु हमें गिर गिर के संभलना भी आता है। तो सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं, सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं। दम्भ हमें दम्भियों का दलना भी आता है। और पाक पी के दूध दोस्ती का मत भूल जाना, वन हमें नाग का कुचलना भी आता है। वन हमें नाग का। और मित्रों, बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में संचालित की जाती हैं, और कहा जाता है कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। मैं पाकिस्तान के आला कमान को आप सब की ओर से एक प्रमाण देना चाहती हूँ कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं या नहीं। यदि आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर सबूत नहीं हो सकता, तो भरपूर तालियों के साथ मेरा समर्थन कीजिएगा। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा, कि दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। मैं तो कहती हूँ अब बिना कोई देर किए, जितने हैं पाक के कपूत भेज दीजिए। तो जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे फिर, जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे फिर, ऐसा मजबूत ये सबूत भेज दीजिए। और जेलों में जो उग्रवादी जिंदा सबको जला के, पाकिस्तान उनकी भभूत भेज दीजिए। पाकिस्तान चाय वाला आ गया। आजकल चाय वाले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए। आइए, मैं पुनः आपके चेहरे पर एक बार खिलखिलाहट लाना चाहती हूँ। एक पैरोडी के माध्यम से फिर आपके चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी, मुझे अपनी प्रतिक्रिया से बताएं कि मुझे इस पैरोडी को पूरा करना है या नहीं। निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला। केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके। धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके। चिल्ला ये अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चिल्ला ये अन्ना वाला
लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान। हाय रे समस्या की दुकान, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान। हाय रे सब। और देखिए साहब की क्या क्या वादे किए खुजलीवाल ने, और केवल राशन कार्ड बने और कुछ नहीं हुआ। मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का हाई फाई, मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का वाई फाई, और जीवन नियम ने मचाई त्राही त्राही। दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई। खांसी चलती है खर खर, ऊपर से डाले मफलर, खांसी चलती है खर खर, ऊपर से डाले मफलर, खाए मजे लेके पान। आए रे समस्या की दुकान, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान। हाय रे समस्या। में मुझे लाखों की भीड़ जरूर मिली, लेकिन झुंझुनू जैसे देशभक्त श्रोता मुझे देखने को अब तक नहीं मिले। तब मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी आवाज खुल सकती है तो खोल दे बेटे, मेरी कमजोर है। निवेदन करता हूँ साहब, तूने कहा सुना हमने, अब मन कटोर कर सुन ले तू। सुन सुनो मीडिया वालों, अब्दुल गफ्फार करके जा रहा है कल अखबार में आनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुस्लिम माँ का बेटा अब्दुल गफ्फार ललकारता है ऐसे गद्दारों को। मित्रों आप भी तालियां इसलिए मत बजाना, एक बदतमीज मुसलमान का खिलाफ एक इस्लाम के बेटे ने आवाज उठाई है, लेकिन कहीं ये महसूस हो जाए कि आवाज हिंदू ने नहीं, मुसलमान ने नहीं, एक हिंदुस्तानी इंसान ने उठाई है, तो खामोश मत रहना। कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन सुनो गद्दार हुए सी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिवशंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। तू क्या, मैं तर्क दे रहा हूँ साहब, वो कहते हैं मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वो चाहे मैं भी मुसलमान हूँ, वो चाहे तो मेरा शारीरिक परीक्षण भी कर सकता है। मेरे जिगर में वही हिंदुस्तानी खून दौड़ता हुआ मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो मजा आ रहा ना भैया, सुनना। अच्छा मुझे कहा यार एक बात बताओ, कि फिर मैंने तर्क दिया, मैंने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, तर्क के साथ बात करता हूँ। मैं को अंडे बेचने वाला अब्दुल गफ्फार मियां हूँ, कोई पिंचर निकालने वाला अब्दुल मियां नहीं हूँ। 12 बरस तक गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूँ हाई कोर्ट जयपुर की पीठ में। 5 बरस तक 1995 से 2000 तक ठाकुर भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे भी राज्य मंत्री का दर्जा देकर लाल बत्ती में रहने का सौभाग्य मिला। तब अब्दुल गफ्फार कहता है कि तूने कहा, तर्क देता हूँ, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन सुनो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिवशंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ। तर्क देखना, समर्थन चाहती है तालियां। कि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, और इसी गीत को गाकर हश्वाकुल्ला अमर शहीद हुआ। तर्क सौंप रहा हूं, अनपढ़ नहीं हूं, छठी फेल भी नहीं हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इसलिए कहना चाहता हूं
कि इसी गीत को गाकर कुर्मा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ, इसी गीत की बंदिश खान अजमुल्ला ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी, यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना, यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना, इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी, इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, अब देना मुझे ताकत, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं उस द्रोही को, समय नहीं है मित्रों, फिर कभी आऊंगा राजकुमार जी, केवल अंतिम 10 पंक्तियां और कहता हूं, मुझे दो मेरे, मैं सबको बांट छूट के खाना चाहता हूं, सुनेगा डॉक्टर बोलो, हमारे हिस्से आपको नहीं, नहीं मैं किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाता हूं, मैं केवल अपने घर वाले से काम चलाता हूं। है हमारी तो देखो अभी उम्र है, हम तो अगले साल भी वापस आ सकते हैं। आप बढ़िया तरीके से बोलो, जोरदार तालियां वाले मजा करके हम लोग गोपाल महादेव जी को पीछे तुम तो अगले साल भी वापस आ सकते हो, लेकिन अगर मुझसे इसी तरह टकराते रहे तो संभावना बहुत क्षीण है, भूतपूर्व भी हो सकते हो। इतने अगर प्यारे प्यारे श्रोता मिल जाए और अगर डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे यही रहने लग जाए तो मैं भी यही सोच सकता हूँ। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे सतरंगी कवित्री है, आपने ऐसी कवित्री राजकुमार जी कहीं और देखी नहीं होगी, जिस रस में आप चाहते हो उस रस में आपको प्लावित करके कविता सुना सकती है। और शब्द आएगा छक्का, एक छक्का वो होता है जो हमारा विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह लगाता है बॉल को बल्ले पे लेके बाउंड्री के बाहर, उसको हम कहते हैं छक्का, और एक छक्का वो होता है, समझ गए? तो मित्रों उस छक्के का, ताली वाले का मैं इस्तेमाल करूंगा, जितने भी मर्द बैठे हैं जवाब जाना चाहिए श्रीनगर तक, सच वाले वाली वो बहरी सुन ले कि ये झुंझुनू के शहीद परिवारों के जाबाज लाडले हैं, ये केवल यही इलाका है। मैं कवि मित्रों से बताना चाहता हूँ, सुबह 4 बजे जाना, जब हम लोग जाएंगे यही वो इलाका है जहाँ नौजवान लड़के रेस में दौड़ते हुए अपना अभ्यास करते हुए नजर आ जाएंगे, हर घर के हर गांव के आगे लड़के अपने बनियान खोलकर सेना में जाने को तैयार रहते हैं। इसी पूरे मुल्क में घूमता हूँ मैं, कहीं नजर नहीं आया, अभी देख रहे 4 बजते ही जाबाज सैनिक सेना में जाने के लिए तैयार होना चाहते हैं, इसलिए मैं इस धरती को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जब उसने कहा कि तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे तो मेरी पंक्तियां सुनना, मैं कहना चाहता हूं साहब कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। भाई बुद्धि भी पहली बार सुनेगा, केसरदेव भी बहुत दिनों बाद मिला है, मेरे इन दोनों प्रिय मित्रों को यह कविता समर्पित कर रहा हूं, समर्पित इनको कर रहा हूं, तालियां आप बजाएंगे अच्छी लगी तो, ओके आज्ञा है, बजाओ जोरदार, तो मेरे में ताकत भरो रहे अच्छा आप लोग बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन माफ करना राजकुमार जी किधर हो, ये वीआईपी लोग हैं जो सोफे पे कुर्सियों पे बैठे हैं, और भारतवर्ष का दुर्भाग्य ये है कि जो व्यक्ति वीआईपी हो जाता है उसमें बुद्धि का अनुपात थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ये लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं वीआईपी महोदयों से निवेदन करता हूँ, कुर्सी वालों आप भी जनता का अनुसरण करें और जहां अच्छा लगे अपनी अपने जोश से मुझे अवगत कराएं। पंगा स्पॉट सुनता भाई कि पढ़ता हूं सुनेगा कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर, रोम मुफ्ती शहीद की बेटी जरा तोल के बोला कर। उसका बाप क्यों बता ले जो कह दिया कि तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, मैं जवाब देता हूं कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर, ओ मुफ्ती शहीद की बेटी जरा तोल के बोला कर कि तूने ये कैसे कह डाला, तनमन नहीं खिलेंगे अब और राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। और अब वो पंक्ति आ रही है, उछाला मार देना देशभक्तों, तूने ये कैसे कह डाला,
कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर, ओ मुफ्ती सईद की बेटी जरा तोल के बोला कर, तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब, तो तुझको शायद सही बात का, तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा छक्कों का मोहताज नहीं। भाई वाह गदगद हो गया मैं, तिरंगे झंडे पर उसके सम्मान में अगर अब्दुल गफ्फार को इतनी जोरदार तालियां मिलती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज झुंझुनू में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। गदगद हो गया, इतना प्यार जनता का मिल जाए फिर कहां किस पुण्य की तलाश में हम फिर। सुनना कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर, ओ मेरी भाईली, अब मैं बना रहा हूं भाईली, बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर, ओ मुफ्ती सईद की बेटी जरा तोड़ के बोला कर, तूने ये कैसे कह डाला तन मन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब, तो तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, फिर बुला रहा हूँ फिर माहौल बनाना, तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा छक्कों का मोहताज नहीं। और फिर चार पंक्तियां और उछल जाओ तो सुनना, तुम्हारी बात कर रहा हूं कि इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों से राखी छूटी, ये कोई साधारण तिरंगा नहीं है, ये कोई साधारण कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसलिए मोहतरमा सुन ले क्या है इस तिरंगे के पीछे इसका इतिहास, कि इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों से राखी छूटी और इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों से चूड़ी टूटी। कई शहीद परिवार यहां बैठे होंगे, मैं उन्हें ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों से राखी छूटी, इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों से चूड़ी टूटी, इस ध्वज की रक्षा के खातिर वृद्ध पिता भी रोए थे, इस ध्वज के रक्षा के खातिर वृद्ध पिता भी रोए थे, इसकी खातिर रणबंक के नींद आखिरी सोए थे, तो तेरे इस ओछे बयान से, तेरे इस ओछे बयान से हम सारे शर्मिंदा है और इसे उठाने भारत माँ के लाल करोड़ों जिंदा है। बहुत बहुत मैं आभारी हूं और अब मित्रों मैं दावा करता हूं अगली चार पंक्तियां लिखते हुए मुझे बहुत जोश आया था, सर्वाधिक तालियां अब आप लोग दोगे, जितने भी देशभक्त बैठे एक एक गगन की तरफ हाथ खड़ा करके अब्दुल गफ्फार की भावना में शामिल होगा। अब सुनना सबसे ज्यादा तालियों वाली पंक्तियां बुद्धि, देखना चमत्कार शब्द कैसे दिखाता है। मुझे फक्र है कि मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ उसी केकड़ी में एक और मेरा लाडला भाई बुद्धि प्रकाश दादेश हुआ, जिसने इस भाषा को विदेशों में लेकर यह बताया कि सबसे ज्यादा मीठी जुबान कोई है तो वो राजस्थानी है। एक बार पुनः इनके सम्मान में तालियां। मेरे साथियों क्या है तिरंगा झंडा, मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी पंक्ति उठा लेना मजा आएगा कि अब तक तूने इस ध्वज का, हम तो गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, गौ पालक के बेटे हैं, हमारी तो भाषा यही होती है, सुनना कि अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, कि अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, अरे रंग तीन तो देखे होंगे असली रंग नहीं देखा। अब असली रंग मैं दिखा रहा हूं कि अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, रंग तीन तो देखे होंगे असली रंग नहीं देखा, अब तक शायद तू अनजान रही इसकी तासीरों से, अब तक शायद तू अनजान रही इसकी तासीरों से, नहीं वास्ता पड़ा तुम्हारा तोप तमंचे तीरों से, अरे यही ध्वजा है जिसे देखकर, यही ध्वजा है जिसे देखकर कस ढीले हो जाते हैं और पाकिस्तानी फौजों के कपड़े गीले हो जाते हैं। वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। एक महीने से लगा हुआ हूँ, प्रेरणा जानती है 20 दिन तो ये भी साथ थी लेकिन कोई परिणाम ही नहीं निकला।
झुंझुनू में आकर कविता का असली असर देखने को मिला है। फिर सैल्यूट करता हूँ, बस कविता समापन करता हूँ, समय नहीं है। कि यही ध्वजा है जिसे देखकर कस नीले हो जाते हैं, पाकिस्तानी फौजों के कपड़े पीले हो जाते हैं। मैंने पहले गीले बोला था, समझ गए। चला अंतिम पंक्ति रखता हूं, मैं पंक्ति चाहता हूं साहब के, यही ध्वजा है जिसे देखकर कस नीले हो जाते हैं, पाकिस्तानी फौजों के कपड़े गीले हो जाते हैं, और यही ध्वजा है जिसे देख कर मुल्क सभी है घबराते, और यही ध्वजा है जिसे देख नेपाल चाइना डर जाते। और अंतिम दो पंक्तियों में फिर इतिहास को दोहरा रहा हूं, मैं जानता हूं सब समझदार हो तो मुझे विदा देना, सुनना। कि यही ध्वजा है जिसे देख नेपाल चाइना डर जाते, यही ध्वजा है जिसे देखकर मुल्क सभी है घबराते, यही ध्वजा है जिसका उड़ना, यही ध्वजा है जिसने जाकर अमरीका में रंग रचा, जिस मोदी को अमेरिका वाले वीजा देने को तैयार नहीं थे, आज उसे जीजा बनाने को तैयार है। तब अब्दुल गफ्फार कहता है कि यही ध्वजा है जिसे देखकर मुल्क सभी है घबराते, यही ध्वजा है जिसे देख नेपाल चाइना डर जाते, यही ध्वजा है जिसका उड़ना यही ध्वजा है जिसने जाकर अमेरिका में रंग रचा, यही ध्वजा है जिसका उड़ना इज़राइल को बहुत जचा, और यही ध्वजा है जिसने जाके समझ जाना समझ जाओ तो बुझा देना वातावरण, यही ध्वजा है जिसने जाके लंका में सरजना डाला, और यही ध्वजा है जिसने जाकर बांग्लादेश बना डाला, यही ध्वजा है जिसने जा लंका में सरजना डाला, यही ध्वजा है जिसने जाकर बांग्लादेश बना डाला। इसीलिए तुझसे कहता हूं तू सम्मान अदब से कर, राष्ट्र ध्वजा तो राष्ट्र ध्वजा है इसका मान अदब से कर, और मुझे विदा देना आपकी बात कह रहा हूं, यही ध्वजा इसीलिए तुझसे कहता हूं तू सम्मान अदब से कर, राष्ट्र ध्वजा तो राष्ट्र ध्वजा है इसका मान अदब से कर, वरना जिस दिन ये बजरंगी ताल जरा सा खा बैठे, उठाना समंदर अब तक जितनी तालियां नहीं बजाई, और मुझे विदा देना अगली यात्रा की शुभकामना के साथ, वरना जिस दिन ये बजरंगी ताव जरा सा खा बैठे, कसम राम की खा करके ये अपना जोश दिखा बैठे, तो फिर महबूबा तो फिर